इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड हेल्थ स्पैन। नाउ अगर आपको याद हो जब हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, जब इस जर्नी की हमने शुरुआत करी थी, तो हमारे गट हेल्थ के साथ साथ लिवर हेल्थ के साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को एड्रेस करना, राइट, कैसे हम इम्प्रूव करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे खत्म करें, ये भी एक एरिया ऑफ फोकस था हमारे लिए। तो क्या होता है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, कैसे वो हेल्प कर सकता है हमारे लाइफ स्पैन को इम्पैक्ट करने में, हमारी हेल्थ स्पैन को बढ़ाने में, आज हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे दीपांजन जी ने बताया कि हमारे हेल्थ स्पैन को बढ़ाना है, लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूँ लाइफ स्पैन की, मतलब आप कितना, कोई भी व्यक्ति कितने सालों तक लाइफ जी रहा है, वो होता है लाइफ स्पैन। लेकिन हेल्थ स्पैन, वो जितने भी साल जी रहा है उसमें कितने साल वो हेल्दी और डिजीज फ्री स्टेज में जी रहा है, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है हेल्थ स्पैन। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे आज के समय में हम देखें तो हमारा नॉर्मल एजिंग में, लेट मी शेयर माय पॉइंटर, हमारी जैसे नॉर्मल एजिंग आज के करंट सिनेरियो में होता है, जहां पर हम जैसे जैसे एज में एडवांस करते हैं, कोई ना कोई किसी भी प्रकार का कोई हेल्थ का कंडीशन या कोई मेटाबॉलिक फ्लक्चुएशन जल्दी आ जाता है, राइट, ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। जबकि हमारा जो मेन एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अगर यहाँ बात करूँ, हेल्थ स्पैन आपका पुअर से ऑप्टिमल की तरफ बढ़ना चाहिए, राइट, और साथ ही साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है उसमें भी इंप्रूवमेंट आपका हेल्थ में होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट ग्राफ है, लेकिन जहां हम मिडिल एज और इनफैक्ट कभी कभार तो उससे पहले भी ये हमारा हेल्थ जो होता है वो पुअर की तरफ आने लगता है, हमको क्या करना है, इस जो ये गैप है इसको बढ़ना है। जैसे जैसे हम एज करें उसके साथ साथ हेल्थ भी हमारा ऑप्टिमल होते होते फिर डिक्लाइन होगा, नेचुरल तरीके से, ना कि अनहेल्दी तरीके से। तो हमें इस गैप को एक्सपैंड करना है, यही हमारा मेजर फोकस होना चाहिए। तो हम लाइफ लीड करें वो क्वालिटी लाइफ लीड करें, ताकि हम ऑप्टिमल लॉन्गेविटी की तरफ बढ़े। व्हाट इज ऑप्टिमल लॉन्गेविटी, मतलब ऐसी लॉन्ग लाइफ, ऐसा एक जब आप लंबे सालों तक जिए, इस प्रकार से जिए कि आपका जो लाइफ है वो हेल्दी हो, आप फंक्शनल अच्छी तरीके से हो, आप एक्टिव रहें, आप इंडिपेंडेंट रहें, जैसे डॉक्टर श्याम ने कहा इंडिपेंडेंस, राइट, वो होती है एक ऑप्टिमल लॉन्गेविटी, जिसमें आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को भी बढ़ा रहे हैं rather than just the quantity. तो कैसे इस हेल्थ स्पैन को इंसुलिन इफेक्ट करता है वो देखते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म, हम हर दिन किसी ना किसी प्रकार से जब भी सेशन ले रहे हैं हम देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है या जो भी हम कर रहे हैं हम उसको अल्टीमेटली लीड कर रहे हैं या एसोसिएट कर रहे हैं एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म से। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही है वो एक क्रूशियल फैक्टर है आपके सेल्स, जो भी शरीर का जो कण कण में जो सेल्स हैं उनका जो एक फंडामेंटल फंक्शन है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म, राइट, उसी ही से ही सेल्स मेंटेन रहते हैं, अलाइव रहते हैं, अपने आप को रिपेयर करते हैं, साथ ही साथ में हमको अलाइव रखते हैं, हमारा मेंटेनेंस हमारे रिपेयर में हेल्पफुल होते हैं, वो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स का एक बैलेंस बना के रखते हैं, कितना न्यूट्रिएंट्स आना है कितना न्यूट्रिएंट्स जाना है उसको रेगुलेट करने के लिए किस प्रकार के हॉर्मोन्स चाहिए, इन्फ्लेमेशन को कम करना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना, ये सारा फंक्शन मेटाबॉलिज्म का है। तो आपने, हम सब जान रहे हैं, जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं या फ्लक्चुएशन होता है तो वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है, यानी हेल्थ स्पैन को कम करता है, राइट, तो इंसुलिन इस मेटाबॉलिज्म का एक सेंटर पार्ट है। अगर आप देखें इंसुलिन का ग्लूकोज का इनटेक या अपटेक कितना होना चाहिए, उस किस प्रकार से वो सेल्स में जाके यूटिलाइजेशन होगा, अगर नहीं यूटिलाइज हो रहा है तो वो कहाँ जाकर के फैट में भी कन्वर्ट हो सकता है, राइट, वो हॉर्मोन्स आपका इंसुलिन लेवल, ग्लूकागन लेवल, कितने हॉर्मोन्स को भी वो इफेक्ट करता है, राइट, फैट का मेटाबॉलिज्म जैसे हमने देखा, एपेटाइट को इफेक्ट करता है, कितने सारे। और इनफैक्ट हम बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक मेजर की फैक्टर है जो आपके मेटाबॉलिक हेल्थ को डिटरमाइन करता है, आपके जो मेटाबॉलिक फ्लक्चुएशंस होते हैं जैसे आपका एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल या एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, वो इफेक्ट किससे हो रहे हैं आपके, इंसुलिन की वजह से। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस, बेसिकली इंसुलिन इस वजह से हम बोलते हैं कि वो एक मेटाबॉलिज्म का एक मेजर पार्ट है जो आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। तो इंसुलिन ना सिर्फ क्योंकि वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को करता है, वो अलग अलग और भी ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, कैसे देखते हैं।
अगर बात करें हम ये इंसुलिन की, तो उसके एक्शंस अलग अलग टिश्यूज पर होते हैं, अलग अलग ऑर्गन में होते हैं। जैसे आप देखें मसल्स को, जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद उस खाना आपके सिंपलर फॉर्म्स में टूटा यानी ग्लूकोज में। अब वो ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट है, लेकिन हमारे शरीर को जो एनर्जी चाहिए, जो उसका यूटिलाइजेशन होगा, उसकी बर्निंग होगी टू प्रोड्यूस एनर्जी, वो सब टिश्यूज के अंदर होगा, सेल्स के अंदर होगा, जैसे मसल टिश्यूज के अंदर। तो इंसुलिन का क्या काम है, वो मसल टिश्यूज के अंदर ग्लूकोज का अपटेक में हेल्प करता है, ज्यादा से ज्यादा उसका टिश्यूज ग्लूकोज को ले उसमें हेल्पफुल होता है, और इसी तरीके से उसके यूटिलाइजेशन में, एक बार मसल टिश्यू ने ग्लूकोज को ले लिया तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए एक्सेस ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो हम बोलते हैं, जिस वजह से हम बोलते हैं कि सिंपलर कार्ब्स को कम करना चाहिए, क्योंकि जो फ्री ग्लूकोज लेवल से हमारे शरीर में वो ज्यादा हो जाते हैं, राइट। फिर क्या होता है, वो फैट में एक्यूमुलेशन होता है उसका, तो उसमें भी इंसुलिन इंसुलिन जो आपका हार्मोन है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या होता है, वो एडिपोसाइट्स होते हैं जो हमारे फैट सेल्स होते हैं उन पे एक्ट करता है, वहां पर जाकर के वो लाइपोजेनेसिस करता है। लाइपोजेनेसिस मतलब जो फैट्स हैं उनके सिंथेसिस में हेल्प करता है, और लाइपोलिसिस यानी फैट का जो ब्रेक डाउन है, जब फैट टूटेगा तो फ्री फैटी एसिड्स शरीर में आएंगे, अगर जरूरत पड़ी ग्लूकोज की कमी से तो वो वापस से ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, उसको वो इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। उसके अलावा गट गट का भी इन्वॉल्वमेंट है आपके इंसुलिन सिक्रीशन में, आप समझें। जब आप खाना खाते हैं क्या होता है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा खाना खाने पे, वो आपके जो आपका जो इंटेस्टाइन होता है, आपका जो गट होता है, वहां पर भी एक प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एल सेल्स उनको बोलते हैं, वहां से वो GLP-1 नामक एक हार्मोन को रिलीज करता है, से इंक्रेटिन हार्मोन बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है, ये आपके इंसुलिन को ट्रिगर करता है कि अब आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, GLP-1 रिलीज होगा, वो क्या करेगा, पेनक्रियास जो मेजर हार्मोन है जहां से आपका इंसुलिन रिलीज होता है, पेनक्रियास के बीटा सेल से, वहां पर ये GLP-1 जाकर के अटैच हो जाएगा। जैसे वो अटैच हुआ बीटा सेल्स में, ट्रिगर मिला बीटा सेल्स को कि मुझे इंसुलिन रिलीज करना है क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है। तो इस तरीके से अब देखें कि गट जो आपका है, इंटेस्टाइनल टिश्यूज और इंसुलिन, उनके बीच में रिलेशनशिप है। देन लिवर के साथ भी उसका एक आप देखेंगे रिलेशन है। क्यों, लिवर एक मेजर ऑर्गेन है, एक सेंट्रल ऑर्गेन है जहां पर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। जो भी ग्लूकोज एक्स्ट्रा हमारे शरीर में बच गया, जो स्टोर होता है हमारे शरीर में, क्योंकि ग्लूकोज स्टोर फॉर्म में भी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका लिवर में मेजरली होगा एज ग्लाइकोजन। तो वो क्या करेगा, क्योंकि इंसुलिन को ग्लूकोज कम करना है, तो वो लिवर को एक सिग्नल देगा कि आपको सिर्फ ग्लूकोज को कम करना है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कीजिए, ना कि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बाहर निकालिए। तो जो भी फंक्शंस हैं जिससे ग्लूकोज का आउटपुट बढ़े, उसको वो कम करता है, ऐसे ट्रिगर करता है, चाहे वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन का टूटना हो या आपका नया ग्लूकोज का बनना हो थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस, उन सबको वो रिड्यूस कर देता है। उसके साथ ही साथ ब्रेन में भी ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है। देन वो सारे मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स, मतलब वो ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर काम हो, किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उनको भी वो बढ़ाता है, क्योंकि ग्लूकोज है तो आपके सेल्स को ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज मिलता है। एंड देन वो एपेटाइट कंट्रोल भी करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिस प्रकार से आप देखेंगे इंसुलिन कितना लेवल में हमारे शरीर में बढ़ा, देन कम हुआ, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, देन वो सेल्स में गया, उसी हिसाब से आपके शरीर में लेप्टिन हार्मोन, ग्रेलिन हार्मोन का रिलीज होता है। आप ब्रेन की बात करें तो वहां पे भी इंसुलिन सेंसर्स होते हैं, या आप उनको बोलते हैं रिसेप्टर्स, तो आपकी ब्रेन में भी होते हैं, वो भी सिग्नल देते हैं कि कब हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ग्लूकोज है वो सेल्स में जा चुका है, जिसकी वजह से अब एपेटाइट खत्म हो चुकी है, जो सेटाइटी है वो प्रोवाइड हो चुकी है, तो वो सिग्नल्स भी देता है। आप सोचिए कि कितने सारे ऑर्गन्स को, कितने सारे टिश्यूज को इंसुलिन अफेक्ट कर रहा है, राइट। नाउ जो हम इंसुलिन सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, इंसुलिन सेंसिटिव मतलब हमारा सेल्स जो है वो कितने सेंसिटिव हैं कि वो इस इंसुलिन को ग्रास्प कर सके, उसको उठा सके। ये तीन तरीके से हो सकता है। पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी, पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब आपके पूरे शरीर में जहां भी मसल्स हैं, जहां भी एडिपोज सेल्स हैं, वो कितनी इजीली
और कितने फास्टली इंसुलिन को ग्रास्प कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, राइट, और उसके थ्रू ग्लूकोज को अपटेक कर सकते हैं। देन हेपेटिक इंसुलिन सेंसिटिविटी, आपके लिवर सेल्स कितने इंसुलिन सेंसिटिव हैं, इससे क्या होगा, उतने इजीली उतने फास्टली वो जो लिवर सेल्स हैं वो ग्लूकोज को अपटेक करेंगे, राइट, और उसका क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करके उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। देन पेनक्रियाटिक इंसुलिन सेंसिटिविटी, पेनक्रियास का भी इंसुलिन सेंसिटिविटी होना जरूरी है, क्योंकि तभी वो ये स्टिमुलेट होगा कि आपके शरीर में कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल है और उस अकॉर्डिंग वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करेगा, राइट। तो ये तीन प्रकार की सेंसिटिविटी हमारे शरीर में ऑप्टिमल लेवल पे काम करें, ये होना जरूरी है नाउ। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक छोटा सा है कि कैसे वो आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कर रहा है, राइट। देन लिपिड मेटाबॉलिज्म हमने देखा, कैसे वो लाइपोजेनेसिस को ज्यादा स्टिमुलेट करता है कि ज्यादा फैट बने ना कि फैट टूटे, राइट, फैट स्टोरेज और यूटिलाइजेशन भी करता है, वो एडिपोसाइट्स की तरफ उसको भेजता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। देन हमने देखा एपेटाइट रेगुलेशन को भी हेल्प कर रहा है, आपके शरीर में लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन उनका कब रिलीज होना है कब नहीं होना है वो भी आपका इंसुलिन रेगुलेट कर सकता है। देन इनकी वजह से जब आपका ब्लड ग्लूकोज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को जब वो रेगुलेट कर पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन को असर कर सकता है, राइट। ज्यादा अगर आपका फैट एक्यूमुलेशन होगा तो वो विसेरल फैट की तरफ बढ़ेगा, ग्लूकोज लेवल अगर ज्यादा स्टोर हो रहा है तो वो भी आपका फैट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, वो विसरल फैट जा रहा है, वो आपके वेस्ट की तरफ आ सकता है, तो इस प्रकार से आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन को भी वो कहीं ना कहीं असर डाल सकता है। एंड देन इस प्रकार से वो आपकी जो ऑप्टिमल लॉन्गेविटी की हमने बात करी थी, राइट, कि किस प्रकार से जब आपके ये मेटाबॉलिक पैरामीटर्स हैं अगर वो वेल बैलेंस्ड है इंसुलिन की मदद से तो वो आपको एक ऑप्टिमल लॉन्गेविटी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अब तो हमने बात करी कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी और मेटाबॉलिक हेल्थ, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी मतलब सेल्स सेंसिटिव हैं ग्लूकोज को उठाने के लिए, रेजिस्टेंस मतलब वो विरोध कर रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं इंसुलिन को रिसेप्टर जो अपने सेल्स पे उसको अटैच करने के लिए और अपना एक्शन दिखाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? आप ये एग्जांपल देखिए, ये मान लीजिए हमारा सेल है, राइट, ये एक ताले की तरह है ना, हर एक ताले की एक अलग चाबी होती है, आप कोई भी चाबी ताले में नहीं घुसा सकते, राइट, क्योंकि उसका शेप अलग होता है, उसका जो एक तरीका डिजाइन होता है वो अलग होता है। इसी प्रकार से इस सेल के ऊपर भी ऐसे ही एक शेप बना होता है, अगर आप देख सकते हैं तो, राइट, ये है रिसेप्टर, ये रिसेप्टर में आप देखिए एक प्रकार का एक शेप है, इसका मतलब है कोई भी मॉलिक्यूल इस पे आकर के अटैच नहीं हो सकता है, उसका भी शेप उसी ही के प्रकार होना चाहिए जो इसमें प्रॉपरली फिट हो सके। तो आप देखें ये इंसुलिन है, राइट, वो उसी ही प्रकार का शेप है जिस प्रकार से वो उसके अंदर अच्छे से फिट हो सके, ये होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी, क्योंकि यहाँ पर जो लॉक और की है दोनों प्रॉपरली फिट हो पा रहे और सेंसिटाइज हो रहा है सेल, उसके बाद वो ग्लूकोज का इनटेक करता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ आपका देखूं सेल, आप देखिए कि यहाँ पर ये जो शेप है ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, किसी वजह से भी हो सकता है, मान लीजिए आपके पास लॉक है उसके ऊपर आप एक सेलोफेन पेपर लगा दें, क्या प्रॉपरली उसके अंदर की जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, राइट, मान लीजिए उसके अंदर किसी प्रकार की इम्प्योरिटी फंसी हुई है, क्या प्रॉपरली की अंदर जा पाएगी? नहीं, क्यों? क्योंकि जो रिसेप्टर है या लॉक है उसका जो डिजाइन है जो एक स्ट्रक्चर है उस लॉक का वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, रुका हुआ है। अगर इसी के ऊपर किसी भी वजह से कोई भी रीजन होता है जैसे फैट एक्यूमुलेशन, अगर इस रिसेप्टर के ऊपर फैट जमा हो गया जैसे सेलोफेन पेपर, तो वो प्रॉपरली जो साइट है वो दिखेगी नहीं, उसका प्रॉपरली शेप नहीं दिख रहा है, तो क्या हो रहा है, ये इंसुलिन का जो शेप है होने के बावजूद भी वो सेल्स के साथ अटैच नहीं हो पा रहा है, राइट। अब जब अटैच नहीं हो पा रहा है वो सिग्नल्स नहीं भेज पा रहा है, एक्शन नहीं हो पा रहा है, और ग्लूकोज सेल्स के अंदर कम जा रहा है या कभी कभार बहुत ही कम हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल, तो इसी को ही बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन की जो एक्शन है उसके प्रति एक रेजिस्टेंस, एक विरोध होना, राइट। नाउ इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है इसकी वजह से होता क्या है, कैसे ये आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, ये एक विशेष साइकिल है, एक बार ये साइकिल शुरू हो गई
वो नहीं रुकेगी। कैसे? आपने खाना खाया जिसमें हाई कार्ब था, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट था। अब उससे क्या हुआ, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमेशा हाई साइड पे ही रहेगा। इसकी वजह से जो इंसुलिन की डिमांड है, जो उसकी जरूरत है, वो भी हमेशा हाई रहेगी। लेकिन हुआ क्या, इंसुलिन की डिमांड हाई है लेकिन सेल्स तो रेजिस्टेंट हो रहे हैं, वो तो प्रॉपरली इंसुलिन के साथ अटैच नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज को अंदर नहीं ले पा रहे हैं। अब जब सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा है तो ब्रेन को हमेशा क्या सिग्नल मिल रहा है कि सेल्स तो स्टार्व कर रहे हैं, सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं है, सेल्स के पास एनर्जी नहीं है, राइट? जो शुगर है इंटर्न, वो भी क्योंकि शुगर सेल के अंदर नहीं जा रही है, वो एक्स्ट्रा फैट की तरह एक्यूमुलेट हो रही है, जबकि सेल्स दूसरी जगह पर स्टार्व हो रहे हैं। अब उससे क्या होगा, आपकी भूख लगनी शुरू हो जाएगी, राइट? ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है आप और खाएं, देन सेल्स स्टार्व हो रहे हैं तो आप थकान फील करेंगे, आपको भूख लगेगी, आप कोई भी काम करेंगे आपको फटीग लगेगा। तो उससे क्या होगा, आप वापस से खाने की तरफ जाएंगे, और अगेन अगर आप खाना हेल्दी खा रहे हैं तो ये साइकिल टूट सकती है, लेकिन अगर वापस से ही हाई कार्ब डाइट की तरफ जाएंगे या ओवर ईटिंग की तरफ जाएंगे तो वापस से वो साइकिल चलती ही रहेगी, राइट? तो इसी वजह से इस साइकिल को तोड़ना जरूरी होता है। वो आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकता है, वो आपकी हेल्थ स्पैन को अफेक्ट कर सकता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस जेनेटिक्स भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके कंट्रोल में है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे हाई शुगर या हाई फैट डाइट। हमने देखा कि कैसे वो ब्लड ग्लूकोज एंड ब्लड फैट लेवल्स को बढ़ा रहा है। देन फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आप फिजिकल इनएक्टिविटी होंगे, हम आगे भी देखेंगे कैसे वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। हाई बीएमआई, विसरल फैट का होना, एंड इनफैक्ट क्रॉनिक स्ट्रेस, क्योंकि वो भी हॉर्मोनल रेगुलेशंस को इम्बैलेंस करता है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाते हैं। तो जो सवाल उठता है हमेशा कि क्या इंसुलिन सेंसिटिविटी वाकई में हेल्थ स्पैन को फिट कर सकती है, ये आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्लिनिकली प्रूवन है कि कर सकती है। इसको ग्लोबल लेवल पर देखा गया है। आपने काफी बार सुना होगा नेशनल डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम के बारे में, राइट? हमने काफी बार उसका जिक्र किया है। वो एक ऐसा प्रोग्राम था जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC द्वारा स्थापित किया गया था। उससे पहले भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा एक ऐसी स्टडी की गई थी जिसमें उन्होंने ये देखा कि क्या अलग अलग जो लाइफस्टाइल के फैक्टर्स होते हैं वो आपके जो आपकी जो डायबिटीज का है प्रिवेंशन हो सकता है, क्या डायबिटीज को डिले करा जा सकता है। तो इस प्रोग्राम में क्या है मेन फोकस, की डायबिटीज के जो ऑनसेट है या उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सके, उसको कैसे डिले किया जा सके। और आप हम सब जानते हैं कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो एक मेजर फैक्टर है जो डायबिटीज कॉज करता है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को एड्रेस करने के लिए, कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म किया जाए, उनके ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, राइट? उनके ये कुछ एम थे जिसके अराउंड आपका प्रोग्राम चल रहा था। जैसे आप हेल्दी खाना खाएं, राइट? एक्टिव रहें, खुद की मॉनिटरिंग करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो, आपके बिहेवियरल में चेंज आए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे इस नेशनल डायबिटीज प्रिवेंशन के। तो हम दो के बारे में बात करेंगे, यानी बी एक्टिव और हेल्दी खाना, राइट? ईट हेल्दी। तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को और सेंसिटिविटी को कैसे इंप्रूव करता है। अगर मैं बात करूं फिजिकल इनएक्टिविटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन दोनों का एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है हमारा, हमारी सेल्स को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है उसके अंदर ऑलरेडी, क्योंकि वो कोई एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा है। इससे क्या होगा, जो ग्लूकोज है उसका अपटेक मसल्स के द्वारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके मसल्स को एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। उससे क्या होगा, जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, वो सब कन्वर्ट होगा इनटू फैट, राइट? अलग अलग प्रक्रियाओं से, जैसे लाइपोजेनेसिस, हम डिनोवो लाइपोजेनेसिस बोलते हैं, वो सब फैट में कन्वर्ट होंगे। साथ ही साथ जो आपका एक्स्ट्रा जो फैटी एसिड्स है, फ्री फैटी एसिड्स है, वो हमारे ब्लड में, हमारे सीरम में उनका कंटेंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा हो गया है कि वो अब एडिपोसाइट टिश्यूज में नहीं आ पा रहा है, तो वो इवन ब्लड स्ट्रीम में भी आपको फ्री फैटी एसिड्स के फॉर्म में मिलेगा। जब इस प्रकार से फैट इतना एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके हर एक हेल्दी सेल्स के ऊपर एक परत की तरह जम जाएगा, राइट? वो विसरल फैट जो हम बोलते हैं, एडिपोज टिश्यूज के अलावा भी वो अलग अलग जगह पे जमा हो रहा है, इसी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है।
जबकि अगर आप एक मेटाबॉलिकली हेल्दी की बात करें, एक ऐसा इंसान व्यक्ति की बात करें जो एक्टिव है, उसको क्या होगा, उसकी हर एक ऑर्गन को ग्लूकोज की जरूरत है, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हमारा फैट का प्रोडक्शन है, स्टोरेज हो रहा है, अपटेक हो रहा है, वो कम हो जाएगा, इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। दूसरी अगर मैं बात करूं कैलोरी डिफिसिट डाइट की, अगर आप ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं फूड में, क्या होगा उससे, बीटा सेल्स की, अगर हम पेंक्रियास की बात करें, बीटा सेल के फंक्शन में और जिसका मास है, क्योंकि वो कितना किस अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन, तो वो एक लिमिट तक ही कंटिन्यूसली इंसुलिन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी एक डीकम्पेंसेटेड स्टेज पे पहुंच जाएगा, यानी इससे ज्यादा वो कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता आपके इंसुलिन डिमांड को। जब कंटिन्यूसली वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो आपके सेल्स तक नहीं पहुंच रहे, फिर क्या होगा, जो बीटा सेल्स हैं उनका फंक्शन और उनका जो मास है वो कम हो जाएगा, और जो ग्लूकागन यानी जो ग्लूकोज बढ़ाने वाले जो हॉर्मोन्स है वो बढ़ेंगे, क्योंकि आपके सेल्स को तो अल्टीमेटली ग्लूकोज की जरूरत है, राइट। उसी प्रकार से लिवर में भी क्या होगा, फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, राइट। जो पेनक्रियाज जो आपका ग्लूकोज होता है लेवल जो आपके लिवर में प्रेजेंट होता है, से हेपेटिक ग्लूकोज होते हैं, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा क्योंकि आपके सेल्स को जरूरत है। एडिपोसाइट्स में भी अब क्या हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है, फैट सेल्स बढ़ रहे हैं क्योंकि फैट एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से फ्री फैटी एसिड ज्यादा हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रहा है, राइट। इसके साथ ही साथ मसल्स में भी फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है, ग्लूकोज का अपटेक जो है वो कम हो गया क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मसल सेल्स नहीं ले सकते। तो ये सारे होते हैं जब हम ओवर न्यूट्रिशन में हैं। लेकिन कैलोरी डिफिसिट से क्या हो सकता है, अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो जो भी हमारे शरीर में जो ग्लाइकोजन यानी स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का, वो ज्यादा से ज्यादा यूज हो सकता है, राइट। ग्लूकोज ऑलरेडी हमारे शरीर में यूज हो रहा है, तो नया ग्लूकोज बनाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि जो भी स्टोर्ड फॉर्म है वही सारा यूज हो रहा है, राइट। उसके साथ लिवर के अंदर भी जो भी ग्लाइकोजन था वो सब यूज हो रहा है। जब आप कार्बोहाइड्रेट को लिमिट करते हैं तो वो आपके फैट के लेवल्स को भी कम करता है, राइट। उसके साथ ही साथ जब आप हाई प्रोटीन लेंगे इस कैलोरी डिफिसिट डाइट में भी, वो आपके पेनक्रियास के सेल्स को ज्यादा स्टिमुलेट करेगा। साथ ही साथ हमने देखा एपेटाइट का भी रिलेशन है, जब आप हाई प्रोटीन लेंगे तो वो आपकी भूख को बढ़ाएगा, सेटाइटी को बढ़ाएगा, एपेटाइट का सप्रेशन होगा यानी आपको भूख कम लगेगी, जिसकी वजह से भी वेट लॉस में भी असर हो रहा है, तो आपके ब्लड ग्लूकोज, ब्लड लिपिड प्रोफाइल्स में, आपके एपेटाइट में, सब पे इम्पैक्ट डाल रहा है अगर आप कैलोरी डिफिसिट, हाई प्रोटीन और लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो आपके ये सारे फैक्टर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेंगे, और ग्लाइसीमिया मतलब जो ग्लूकोज का जिस प्रकार से जो इंफ्लू होता है उसको भी कम कर सकता है। नाउ आप देखें, फिजिकल एक्सरसाइज और कैलोरी डिफिसिट दोनों ही नेशनल डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम का पार्ट थे। तो क्या देखा गया था इस नेशनल डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम से, ये प्रोग्राम 1996 में शुरू हुआ, 2001 में खत्म हुआ, जैसे हम डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम बोलते हैं। लेकिन एक और स्टडी थी ये देखने के लिए कि लंबे समय में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, जिसको उन्होंने बोला डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम आउटकम स्टडी। आउटकम क्या हुए लॉन्ग टर्म में, तो एक ग्रुप था जो जो भी है लाइफस्टाइल फैक्टर्स थे, आपके एक्सरसाइज और आपका प्रॉपर डाइट, आपके जो भी बिहेवियरल फैक्टर्स हैं उनको फॉलो करते थे, वो आपका एक ग्रुप वन हुआ। दूसरा ग्रुप था जिसको सिर्फ स्टैंडर्ड डाइट दिया गया, स्टैंडर्ड एक्सरसाइज रिकमेंडेशंस दी गई, और वो जो एक डायबिटीज के बेसिक मेडिकेशन होती है मेटफॉर्मिन, वो खा रहे थे। और तीसरा ग्रुप था जो सिर्फ वही स्टैंडर्ड डाइट और एक्सरसाइज फॉलो कर रहे थे, लेकिन ना वो दवाई खा रहे थे मेटफॉर्मिन, ना वो इस प्रोग्राम के रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहे थे। तो देखा क्या गया, 3 साल के अंदर जो सिर्फ इस लाइफस्टाइल के पैटर्न को फॉलो कर रहे थे उसमें डायबिटीज को डेवलप करने के चांसेस 58% कम थे एज कंपेयर टू मेटफॉर्मिन ग्रुप। 10 साल में देखा गया कि उनके अंदर जो डायबिटीज का डेवलपमेंट है वो 34% डिले हुआ एज कंपेयर टू मेटफॉर्मिन ग्रुप, जहां पर 18% ही था सिर्फ। और 15 साल में क्या देखा गया कि उसके बाद भी जहां पर लोग प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज रिकमेंडेशंस फॉलो कर रहे थे, 150 मिनट्स ऑफ वॉक पर वीक और कैलोरी डिफिसिट डाइट, वहां पर भी इस डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज 27% कम था एज कंपेयर टू मेटफॉर्मिन ग्रुप, जहां पर वो 18 ही% था।
तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि वो अल्टीमेटली टारगेट कर रहा था आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को। अगर आपने इन लाइफस्टाइल फैक्टर्स के साथ, फिजिकल एक्टिविटी और कैलोरी डिफिसिट डाइट के साथ फॉलो किया, तो उसके ऐसे रहते। ना कि सिर्फ ये, एक और स्टडी जो पब्लिश हुई थी न्यूट्रिएंट्स 2021 में, दाचिंग स्टडी, वहां पर भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा गया कि अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे और बाकी कॉम्प्लिकेशंस पे। तो उन्होंने देखा कि वहां पर डिले जो हो रहा है वो 3.96 ईयर्स का डायबिटीज का डिले हो रहा है। ना कि सिर्फ ये, कार्डियोवेस्कुलर जो डिजीजेस होते हैं और जो उनसे रिलेटेड जो मोर्टैलिटी होती है वो भी कम हुई थी। और जो एवरेज लाइफ स्पैन है, एक्सपेक्टेंसी है, 1.44 ईयर्स बढ़ा था उनमें जो इन लाइफस्टाइल फैक्टर्स को आप अपना रहे थे और उनको फॉलो कर रहे थे। और इनफैक्ट एनिमल स्टडीज में भी देखी गई थी, एक साइंटिस्ट है एंड्रयू वॉकर, 2019 में उन्होंने देखा कि किस प्रकार से अगर वो लाइफस्टाइल फैक्टर्स को फॉलो करते तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, राइट, वो कॉग्निटिव फंक्शंस को अफेक्ट करता है और हेल्थ स्पैन को ओवरऑल इम्प्रूव करता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है इंसुलिन सेंसिटिविटी को, कैसे, हेल्दी वेट को मेंटेन रख के, अनड्यू स्ट्रेस को कम करके, जो नॉक हमारे जो सिंपल कार्ब्स हैं उनको अवॉइड करना है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक कैलोरी डिफिसिट डाइट को आप फॉलो करें। हमेशा एक ब्लू जोन का जो एक आप मैकेनिज्म है, आगे कुछ सेशंस में आप देखेंगे हम ब्लू जोन फिलोसफी के बारे में बात करेंगे, उसमें हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको 100 ईयर्स तक जीना है तो आपको सिर्फ उतना खाना है जिससे आपका 80% तक पेट भरे, 100% तक नहीं, क्योंकि वो आपको एक्टिव रखता है, और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमेशा एक कैलोरी डिफिसिट डाइट को आपको मेंटेन करना है।